नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस भी तैयारियों में जुट चुकी है। नगर पालिका अध्यक्ष और 33 वार्डों के लिए प्रत्याशियों के चयन के लिए बालाघाट निकाय चुनाव के पर्यवेक्षक प्रदेश कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष रजनीश सिंह ठाकुर और आशा गौरी राय का बालाघाट आगमन हुआ। उन्होंने यहां स्थानीय सर्किट में दावेदारों से मुलाकात करते हुए उनका पक्ष सुना और मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को टिकट मांगने का अधिकार है। अभी जिताऊ उम्मीदवार के लिए सर्वे किया जा रहा है। सभी जिलों में पर्यवेक्षक भेजकर रायशुमारी ली जा रही है, जिसकी रिपोर्ट हाईकमान को भेजी जाएगी। ज्ञात हो कि विधानसभा चुनाव में सर्वे के आधार पर उम्मीदवारों को कांग्रेस ने टिकट दिया था। कांग्रेस का यह फॉर्मूला काफी सफल भी रहा था। इसी आधार पर नगरीय निकाय चुनाव में भी प्रत्याशी तय किए जाने हैं। साथ में खड़ा हुआ है, निश्चित रूप से उसकी निष्ठा, उसका समर्पण, उसका त्याग, पार्टी के लिए उसका समय, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा। मेरा जी सर, कि अभी जो पर्यवेक्षक के माध्यम से और जो आपके द्वारा जो गोपनीय तरीके से जो सर्वे कराया जा रहा है, उसमें एक स्थिति स्पष्ट हो रही है कि जो पार्षद है एक वार्ड से एक ही पार्षद आएंगे, तो विवाद की स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो क्या करेंगे आप? देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता है, बरसों से कांग्रेस में काम किया है, तो निश्चित रूप से उसको टिकट मांगने का, पार्टी का उम्मीदवार बनने का अधिकार है। और पार्टी में काम करता है, आदमी की ललक रहती है कि पार्टी मुझे मौका दे, अवसर। अब इस पर उसकी सीनियरिटी, उसके द्वारा किए हुए कार्य, उस वार्ड में उसका क्या विश्वसनीयता है, उन्होंने क्या काम किया, इन सब चीज़ों की समीक्षा होती है, तभी फिर उम्मीदवार का चयन किया जाता है। तो जो कैंडिडेट आप यहाँ से चुनकर जो लिस्ट भेजने वाले हैं, उसमें क्या जिनकी दमदारी है उनको भेजा जाएगा कि जिनका काम बोलता है उनको भेजा जाएगा? दमदारी, दावेदारी और काम। काम होगा तभी आदमी दावेदारी करेगा, जब दावेदारी करेगा तो उसमें दम होगा। और कोई भी व्यक्ति चाहे वो पंच का चुनाव हो, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव हो, कोई भी व्यक्ति कभी भी चुनाव हारने के लिए टिकट नहीं देता, हमेशा वो जीतने के लिए ही करता। और आज के इस इलेक्ट्रॉनिक युग में, आज के इस आधुनिक भारत में, तो आदमी स्वयं तुरंत अपना आकलन कर लेता है कि वो कहाँ पर खड़ा है, किस जगह पर खड़ा हुआ है। आकलन तो जनता करेगी, खुद का उम्मीदवारी की वो तो जनता आकलन करेगी जब उम्मीदवार बन जाएगा उसके बाद। पर आज जब टिकट मांगने की बात होगी, जब उम्मीदवार बनने की बात होगी, तो वो तो स्वयं का आकलन करके आज बताएगा कि मैंने यहाँ ये किया, मैंने यहाँ नलकूप खुदवाया, कि यहाँ दुख सुख में आया, क्या यहाँ मैंने ये विकास के काम संघर्ष करके किया, क्या मैं यहाँ 4 दिन अनशन पर रहा तो मैं इस बात का उम्मीदवार बन सकता हूँ। आज उसका संघर्ष और वो खुद अपना आकलन करके पार्टी के सामने अपनी बात रखे, फिर जनता का निर्णय। रजनीश जी, आप सेवा दल भी संभाले आपने मध्य प्रदेश में, आप पिताजी मतलब बड़े कद्दावर नेता थे, 2 बार सीनियर मिनिस्टर, कई बार संगठन में भी थे, तो सेवा दल मध्य प्रदेश में और वार्ड ने